कि पुरुष नपुंसक नार्य वा जीव चराचर को सर्व भाव कपट तज मोहि परम प्रीत हो। चराचर के जीव कोई भी मनुष्य हो संपूर्ण श्रद्धा के साथ पूर्ण श्रद्धा के साथ कपट छल कर त्याग करके जो मेरा भजन करता है वो मुझे परम प्रिय। भगवान को सभी मानव प्रिय है लेकिन मानव को भगवान राम सबको प्रिय नहीं है। कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है लेकिन भगवान के लिए जो कपट छल त्याग करके भगवान का भजन करता है उसको सारे भगवान पूर्ण रूप से भगवान उसको परम प्रिय है। इसलिए इनका जो सिद्धांत है अयोध्या वासी को जो दिए थे भगवान राम ने चुनौ सकल पुरजन मम वासी सारे वासियों को जो उपदेश दिया था कि मनुष्य तन बड़ा दुर्लभ है ये पाकर भगवान का भजन किया जाए सरचित से भगवान का नाम जपा जाए ध्यान किया जाए तो जो सुख जो शांति संसार में मनुष्य ढूंढता है उसके हृदय में ही वो सुख वो शांति प्रकट हो जाएगा उसे पाकर वो सदा सदा के लिए तृप्त हो जाएगा और इस दुख रूप संसार से पार भी हो जाएगा। इन्हीं उपदेशों इन्हीं आचरणों के कारण भगवान राम संपूर्ण मानव के लिए पूजनीय है। उनकी जन्मभूमि पूजनीय है सरयू पूजनीय है क्योंकि सरयू किनारे भगवान ने सब संतों को उपदेश दिया था आह्वान इसी में स्नान किए थे इसलिए इनकी इन्हीं मर्यादाओं पे हमें चल के हमें भगवान तक पहुंचना है परम शांति प्राप्त करना है। ये आज के दिन सारे भक्तों में इसी का प्रसार है इसीलिए हम इतने दिन से प्रयत्न कर रहे हैं। आज ये चीज सुलभ हुआ इस पे चलने का सबको अवसर प्राप्त है। जी बिल्कुल तो भगवान राम पूछनी है और भगवान राम से जुड़ी हर एक चीज पूछनी है। मैं चाहूंगी कि आप दोनों हमारे साथ बने रहिए क्योंकि आपसे भी और भी चर्चा करनी है और बहुत कुछ समझना भी है। हमारे दर्शक भी इस बात को सोच रहे हैं कि इस वक्त कैसा महसूस कर रहा है साधु समाज और जिस तरीके से आप लोगों की प्रतिक्रियाएं निकल कर सामने आ रही है वो आज के दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। जया अपने दर्शकों को अयोध्या लिए चलते हैं सरयू नदी। बिल्कुल अयोध्या की सरयू नदी के घाट दुल्हन की तरह इसे सजाया गया है जहां राम भक्तों में गजब की उमंग और उत्साह देखने को मिल रहा है। एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाते हैं। भूमि पर भूमि पूजन का कार्यक्रम और चंद घंटों के इंतजार है। अयोध्या व्याकुल है अयोध्या वासी व्याकुल है और उनके तमाम राम भक्त व्याकुल है कि कब वो इंतजार का लम्हा जो है भूमि पूजन कार्यक्रम के बाद उनका खत्म हो जाएगा। ऐसे में यहाँ पर भक्ति रस के गीत गाए जा रहे हैं भगवान राम के गीत गाए जा रहे हैं और ये सरयू की वो पवित्र धारा है वो निर्मल धारा है जिसमें लोग डुबकी लगा रहे हैं। इंतजार की डुबकी थी लोगों को आस्था की डुबकी थी लेकिन आज जो डुबकी है वो उत्साह की डुबकी है और ऐसे में लोगों से ही बात करते भैया आप बताओ। जी आज कह सकते हैं कि अप्रतिम है निःशब्द है कोई शब्द नहीं है लेकिन फिर भी अगर शब्द जो हमारी भावना है अगर वो शब्दों में व्यक्त होती है तो आज ये जीवन सफल हुआ हर एक राम भक्त का। मैं एक राम भक्त होने के नाते ये कहना चाहूंगा कि आज से 14 वर्ष पहले मैंने ये जो मेरे बाल हैं ये तब से लगातार इस प्रतीक्षा में थे कि कब राम का मंदिर बने और कब मेरी ये प्रतिज्ञा पूर्ण हो। हम वो पीढ़ी है जो लगातार 750 वर्षों के संघर्ष में जो लाखों लोगों का शहीद लाखों लोगों का बलिदान हुआ उसमें से हम सभी लोग वो सौभाग्यशाली लोग हैं जिन्हें राम जी का मंदिर देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। चार धाम की स्थापना कब हुई हम नहीं जानते किसी को पता नहीं लेकिन जो लोग उस समय उनके निर्माण के समय पर मौजूद रहे होंगे निसंदेह वो लोग बहुत भाग्यशाली रहे होंगे। आज उन चार धामों की यात्रा करने के लिए विदेशों से दुनिया भर से इस्कॉन से कई सारे लोग आते हैं। आज जब भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण की आज भूमि पूजन जब मोदी जी करेंगे तो हम ये 21वीं सदी के महानायक होने का बहुत बड़ा एक स्तंभ रखेंगे और न सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ में हम पूरे विश्व को भारत पूरे विश्व में भारत को एक बार पुनः जगत गुरु बनाएंगे। ये बाल जो है कहां आज विसर्जित हो जाएंगे? जी आज मेरे यही सरयू तट पर ही इसी स्थान पर ही आज मेरे ये बाल जो है ये विसर्जित होंगे लेकिन इससे पहले रामलला के दरबार में इन बालों का नमन होगा। उसके बाद जी कोई गीत गा रहे थे इसके पहले? जी हाँ मैं गीत गा रहा था निरंतर बहुत सारे गीत हमने गाए हैं अभी गुनगुना के बताइए। जी गीत बहुत सारे हैं राम जी के लिए तो खैर कुछ कह नहीं सकते। राम जी की सुनने गए हाँ इसके पहले कोई सभी ले सकते हैं राम राम
राम से बड़ा राम का नाम। आप बताइए, आपका ताल्लुक कहाँ से? हम लोग ऋषिकेश से आए हैं, ऋषिकेश उत्तराखंड से। परसों रात पहुँचे हम 12:30 बजे, और सिर्फ आज 5 तारीख के जो भगवान राम जन्मभूमि में शिलान्यास होना है, जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा होने जा रहा है। भगवान राम ने उनके कार्यकाल पे मोदी जी पे कृपा कर दी है कि उनके हाथों से ये शिलान्यास हो। और जो हमारे योगी आदित्यनाथ हैं, जो सीएम हैं अपने यूपी के, वो हमारे ऋषिकेश से उत्तराखंड से हैं, पौड़ी जिले से, यमकेश्वर ब्लॉक से। और वैसे तो हमारे मित्र हैं वो, क्योंकि हम भरत मंदिर में, वो हमसे 1-2 साल सीनियर रहे हैं, लेकिन वहाँ से ही हमारी समझ लो मित्रता है। और असरफी भवन हमारे जिस, जहाँ से मेरी दीक्षा है अयोध्या धाम से, श्री रामा संप्रदाय से, वहीं हम पहुँचे हैं। लेकिन जो आज का आनंद है, लोगों के अंदर उत्साह है, वो अयोध्या में ऐसा लग रहा है कि रामलला आज ही जन्म लेने जा रहे हैं। बिल्कुल, सबको खुशी है, पूरे भारतवर्ष, पूरे वर्ल्ड को, क्योंकि संसार तो हमारा है ना, ये राम की जन्मभूमि है जहाँ राम आए थे और आज फिर आने जा रहे हैं। ऐसी खुशी का माहौल है, ऐसा लग रहा है कि हमारे घर में कोई बालक हो रहा है। आपने कोई गीत गुनगुना रहे थे आप? हाँ, मैं बोलता हूँ। अरे मेरे तो आधार, अरे मेरे तो आधार, सीताराम के चरणारविंद। मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, अरे मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, सीता के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, हनुमत के चरणारविंद। मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद। आज की ये डुबकी आपके लिए कितना महत्व है? ये डुबकी तो मेरा जीवन तर गया है जी भैया। मैं आपको बता रहा हूँ कि भगवान कल का समय देखे ना देखे, लेकिन जो डुबकी आज लग रही है, ये जीवन को तार दिया है। डुबकी तो हम ऋषिकेश गंगा जी पे भी लगाते हैं, गंगा मैया के, लेकिन आज सरयू जी, जो कि गंगा जी की बड़ी बहन है, सरयू माता भगवान श्री के हरि के नेत्रों से निकली है, और हमारी गंगा महारानी भगवान श्री हरि के चरणों से, तो इसके तो दर्शन मात्र से ही, स्नान नहीं भी किया तब भी दर्शन मात्र से ही जीवन तर जाता है। ये वो तमाम भक्त हैं जो इस सरयू की धारा में उतर आए हैं और यहाँ आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, पवित्र डुबकी लगा रहे हैं, और उनका वो इंतजार जो आज से वो वर्षों से करते रहते हैं, वो कुछ इसी गीत धुन में वो राम के गीत गा रहे हैं, उनके नाम के गीत गा रहे हैं, आस्था के गीत गा रहे हैं, और इंतजार के वो सभी घड़ियों को दूर करने का वो लम्हा का इंतजार है जब भूमि पूजन का कार्यक्रम होगा। और पूरी अयोध्या उत्साह से भरी हुई है, और इसी तरह से राम भक्तों को उनके इंतजार है उस घड़ी का जब भूमि पूजन का कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद पूरा होगा। अयोध्या से अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज। अभिषेक की रिपोर्ट, आप देख रहे थे सरयू नदी, क्योंकि यहाँ पर श्रद्धालुओं ने तो हमेशा डुबकी लगाई है। जो भी लोग वहाँ पर पहुँचते हैं वो डुबकी जरूर लगाते हैं, लेकिन इन सब के बीच बाबा रामदेव इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। मैं यहाँ से आज एक ही संकल्प लेकर के जा रहा कि राम मंदिर बनने के साथ साथ इस राष्ट्र का राम और माता सीता जैसा पवित्र चरित्र बने, चरित्र निर्माण, नए राष्ट्र का निर्माण, जहाँ पर आर्थिक समृद्धि हो, आध्यात्मिक प्रगति हो, और ऐसा राष्ट्र बनाने के लिए मैं अपने शेष 50 वर्ष अपना तन मन धन जीवन, अपने अपनी संस्था, अपना संगठन और करोड़ों लोगों की जो मेरे प्रति आस्था है, इस अपने सारे ऐश्वर्य को भगवान श्री राम के चरणों में अर्पित करता हुआ ये संकल्प ले रहा हूँ कि दोबारा से भारत परम वैभवशाली बने, वो शिक्षा दीक्षा इस देश को दोबारा से मिले जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम ने गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र के यहाँ से पाई थी, उसके लिए एक गुरुकुल यहाँ पर मैं बनाना चाहता हूँ कि जिससे राम जैसा चरित्र बने। वो कैसे बनेगा? वो शिक्षा से बनेगा, वो उन संस्कारों से बनेगा, उस योग और अध्यात्म के बल पर बनेगा जिसको मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम जीते थे। तो राम नाम खाली जपने के लिए नहीं है, राम का चरित्र जीने के लिए भी है, और वैसा चरित्र बनाने के लिए एक बहुत दिव्य भव्य गुरुकुल यहाँ पर बनाने के लिए, और पतंजलि योगपीठ की एक यहाँ शाखा बनाने के लिए, जिससे कि पूरी दुनिया योग और अध्यात्म को यहाँ से आत्मसात करके जाए, क्योंकि अयोध्या अब इस राम मंदिर के निर्माण
तो राम नाम केवल जपने नहीं बल्कि राम को जीने का इस वक्त वक्त है, जो कि कहते हुए यहाँ पर बाबा रामदेव इस बीच जो है एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आ रही है। सीधे उसी का रुख करेंगे। अपने दर्शकों को बता दें कि शुभ मुहूर्त को लेकर लगातार विवाद दिखाई दिया। दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से सवाल उठा दिए। दिग्विजय सिंह ने पहले भी सवाल उठाए थे राम मंदिर निर्माण भूमि पूजन पर, उन्होंने सवाल उठाए और मान्यताओं के विपरीत हो रहा है भूमि पूजन। इससे पहले जब अमित शाह कोरोना पॉजिटिव हुए तो उन्होंने इसे भी शुभ मुहूर्त से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि शुभ मुहूर्त नहीं देखा गया और यही वजह है कि इसका नतीजा अब अमित शाह भुगत रहे हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भुगत रहे हैं। और एक बार फिर से दिग्विजय सिंह ने सवाल उठा दिए हैं शुभ मुहूर्त को लेकर। दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाए, तो दिग्विजय सिंह ने यहाँ पर एक बार फिर से सवाल उठा दिया। हालांकि इससे पहले भी उनके द्वारा सवाल उठाए गए, लेकिन देखिए किस तरीके से अयोध्या को लेकर राजनीति हुई और जब जो संघर्ष है वो समाप्त हो रहा है तो अंतिम क्षणों में भी ये जो राजनीति है वो देखने को मिल रही है शुभ मुहूर्त को लेकर। हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद है, आचार्य मुनिराज भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आचार्य जी, क्योंकि हम जिक्र कर रहे थे कि किस तरीके से सियासत भी देखने को मिल रही है, लेकिन अब क्योंकि चंद घंटों का इंतजार है, लेकिन आखिरी वक्त में ये प्रतिक्रिया आई है कांग्रेस पार्टी की ओर से। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि शुभ मुहूर्त नहीं है। आचार्य जी, मैं चाहूंगी कि आप इस पर कुछ प्रतिक्रिया दें, खासतौर पर शुभ मुहूर्त को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं। वो अनर्गल वार्ता करते हैं। सबसे प्रथम बात है द्वितीय तिथि है एवं बुधवार है, शोभन योग है। हम लोग भी ज्योतिषी का कार्य करते हैं, हमारे यहाँ एक से एक बड़ा प्रकांड ज्योतिष बैठे थे। ये कहीं गलत मुहूर्त है ही नहीं, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात यह है जब शुभ काम किया जाता है परमात्मा का, उसके अंदर में किसी प्रकार का मुहूर्त तो देखा नहीं जाता। पहली बात, इसका शिलान्यास पहले बहुत अच्छे शुभ मुहूर्त में हो चुका है। आज दिग्विजय सिंह जी इसका जो विरोध कर रहे हैं, तो क्या उस समय कोई मुहूर्त था जब राजीव गांधी जी ने इसका ताला खोला था? मुहूर्त तो उसी समय हो गया था, तो सबसे पहले उन्हीं को उनको कहना चाहिए। लेकिन दूसरी बात, मुहूर्त बहुत सुंदर बनाया गया है। जब जागे जब ही सवेरा है, जिस समय आत्मसात हो जाए परमात्मा के साथ, विवेक जाग जाए, तभी हमारा प्रातः काल होना प्रातः होता है। अतः कोई मुहूर्त में किसी प्रकार का गलत नहीं है। यो नहीं अज्ञानी लोग हैं वो इस प्रकार की अनर्गलता का प्रयोग कर रहे हैं। कोई मुहूर्त गलत नहीं है, मुहूर्त शुभ है। सबसे बड़ी बात, अभी आपको महाराज जी ने पहले भी कहा था एक श्लोक, तदेव लग्नम सुदनम तदेव तारावलम चंद्रवलम तदेव विद्यावलम दैववलम तदेव लक्ष्मी पते ते नृष्पदामी लावस्तेषाम जयस्तेषाम कुतस्तेषाम पराजय येषाम इंदी वरश्यामो यत। तो जब जिस समय भगवान की कृपा हो जाती है और विवेक जाग जाता है जी, तभी हमारा मुहूर्त शुभ माना जाता है। परमात्मा के कार्य में नहीं, हम कोई व्यक्तिगत मकान नहीं बना रहे हैं, व्यक्तिगत कोई भूमि पूजन नहीं कर रहे हैं जिसमें कोई राशि देखी जाए या गैर कर। राम का मैंने कल भी आपको बोला था, रमियन के राम जो रोम रोम में रम रहा है, एक एक क्षण के अंदर में विद्यमान है, उसके लिए क्या मुहूर्त देखना। और देखा भी जाए तो मुहूर्त बिल्कुल शोभन योग में, सर्व सिद्धि में। दूसरी बात, जिस समय रखा जा रहा है मुहूर्त, वो अभिजित समय है। अभिजित समय के अंदर में किसी प्रकार का कोई भी गणना करने की जरूरत नहीं है। 24 घंटों 12 महीने में भी दोपहर को जो 12 बजे का समय होता है वो अभिजित होता है, उसमें किसी प्रकार की कोई भी अनिष्ट की भावना भी नहीं होती है, इसलिए मुहूर्त सही है। दिग्विजय सिंह जी क्या जानते हैं, उन्होंने तो वो मुहूर्त निकाला था कि अगर वो उनके ज्योतिषियों ने, उनके बड़े प्रकांड संतों ने कहा था कि हम गारंटी लेते हैं हमारा मुहूर्त सही है, दिग्विजय सिंह अगर नहीं जीतेंगे तो हम अपने प्राणों की आहुति दे देंगे। वो कहाँ गया उनका मुहूर्त, कहाँ गए उनके वो संत जिन्होंने प्राणों की आहुति देनी थी। इसलिए अनर्गलता नहीं करनी चाहिए, शुभ काम में कभी भी बाधा नहीं डालनी चाहिए। बिल्कुल आचार्य जी, जैसा कि आपने कहा कि शुभ मुहूर्त के लिए सिर्फ और सिर्फ भगवान की कृपा जरूरी है,
और भगवान राम की कृपा जब बनी अब भूमि पूजन का कार्य हो रहा है, इसको लेकर सवाल नहीं होना चाहिए लेकिन सवाल तो उठ रहे हैं। चिंतन मयानंद जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। महाराज जी ये बताइए कि जैसे शुभ मुहूर्त को लेकर आचार्य मुनि राज जी का तो कहना है कि बहुत ही शुभ मुहूर्त है और जब भगवान की कृपा हो जाए वही शुभ मुहूर्त है, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? क्योंकि लगातार दिग्विजय सिंह शुभ मुहूर्त को लेकर सवाल उठा रहे हैं, साथ ही साथ संत समाज की तरफ से भी कई संतों ने इस पर सवाल उठाए हैं। मुहूर्त भगवान की भजन भक्ति पूजा प्रतिष्ठा के लिए कोई मुहूर्त नहीं होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जोग लगन ग्रह बार तिथि तुलसी गणत न काहू, राम दाहिने जब ही जब सबई दाहिने ताऊ। तुलसीदास जी जोग लगन इत्यादि को नहीं मानते, कहें भगवान जिस समय जहाँ जिस स्थान पे जिनकी भजन भक्ति संभव हो प्रसन्न हो जाए वही लगन वही समय वही स्थान शुभ है और वही चीज पुण्यदायक है। तो भगवान भक्ति के लिए प्रतिष्ठा के लिए उनका स्मरण करने के लिए हर समय पवित्र है। जिस दिन आदमी के भीतर श्रद्धा भक्ति उनके प्रति होती है वही समय ठीक है, वही लगन ठीक है, वही मुहूर्त ठीक है। जिस दिन मनुष्य के भीतर श्रद्धा भक्ति का अभाव होता है भगवान के लिए, चाहे वो कितनों पवित्र दिन हो चाहे कितनों पवित्र स्थान हो, वो अपवित्र ही है, क्योंकि भगवान की भजन भक्ति श्रद्धा पे डिपेंड है। इसलिए मुहूर्त सब सही है। आज लोगों के भीतर भगवान के प्रति आस्था विशेष रूप से जागृत है तो आज का दिन सबसे पवित्र है। आज का स्थान अयोध्या सबसे पवित्र है और उसी अयोध्या में जब यदि भगवान की प्रतिष्ठा में उपदेश का खंडन हो आचरणहीनता आ जाए तो वो स्थान वो समय सब अपवित्र है। इसलिए लोगों की अपनी अपनी मान्यता होता है। भगवान के पूजन का ध्यान का समय शुभ है, जिस समय हो वही समय शुभ। जी बिल्कुल, और ये कहते भी हैं हो ये सही जो राम रच राखा, ये सब राम की मर्जी और भगवान श्री राम तो शुभ अशुभ सबसे ऊपर हैं, भगवान तो मुहूर्त से भी ऊपर, और इसी वजह से जो सवाल उठ रहे हैं वो बहुत बौने यहाँ पर साबित हो जाते हैं भगवान राम के परिप्रेक्ष्य में अगर बात कर ली जाए तो। आचार्य जी एक बार फिर से आपके पास आना चाहूँगी क्योंकि हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि सदियों का इंतजार है लेकिन वो इंतजार खत्म हो रहा है। ऐसे में क्योंकि इस वक्त परिस्थितियां जो है जाहिर तौर पर असामान्य परिस्थितियां हैं, कोरोना काल चल रहा है, निश्चित रूप से वहां पर कुछ बंदिशें भी हैं, तमाम जो लोग हैं वो वहां पर नहीं जा सकते, अयोध्या नगरी नहीं जा सकते हैं, लेकिन हर एक इंसान हर एक राम भक्त खास तौर पर इस वक्त अपने अपने घरों से रहकर अपने अपने मंदिरों में मठों में वहां पर अपनी सहभागिता इस दिव्य काम में कहीं ना कहीं सुनिश्चित कर रहा है। आप इस पल का किस तरीके से वर्णन करेंगे और खास तौर पर अगर आपकी बात कर ली जाए तो आप इस महोत्सव में अपनी सहभागिता कैसे सुनिश्चित कर रहे हैं आचार्य जी? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट होत में जाना। भगवान श्री राम हर जगह पर मौजूद है ऐसा मान करके, जब वो हर जगह मौजूद है तो यहाँ भी अयोध्या है। वो अयोध्या एक व्यक्ति के विशेष रूप से है। अयोध्या माने जहाँ पर कभी युद्ध नहीं हुआ, अवध माने जहाँ पर किसी का कभी वध नहीं हुआ। तो हमारे हृदय के अंदर में यदि परमात्मा यहाँ विराजमान है तो यहाँ पर भी किसी प्रकार का कोई काम क्रोध लोभ आदि मद आदि किसी प्रकार का कोई भाव न हो करके एक प्रेममय भाव है। तो सर्वत्र परमात्मा विराजमान है। हम आपके माध्यम से यहीं पर अयोध्या में बैठे हुए हैं। जो हमारी भारतवर्ष की जनता है, अगर आज कोरोना नहीं होता तो मैं समझता हूँ कम से कम 1.5 करोड़ आदमी व्यक्ति व भगवान के भक्तजन अयोध्या में होते, लेकिन कोरोना के कारण वहाँ न जाने के कारण आप लोगों के चैनल के माध्यम से वो ये समझ करके कि यहीं पर हम भगवान के सामने यहीं अयोध्या में बैठे हुए हैं ऐसा मान करके अपने मन के अंदर में विश्वास के साथ, विश्वासम फलदायकम, विश्वास भी कैसा हो कि बट तुलसीदास जी ने कहा है कि बट विश्वास अचल निज धर्म,
तीरथ राज समाज सुकर्मा सब ही सुलभ सब दिन सब देशा सेवत सादर समन कलेशा अकथ अलौकिक तीरथ राऊ देय सत्य फल प्रकट प्रभाऊ। इसलिए अगर हमारा विश्वास ये है कि हम भगवान के पास में बैठे हुए हैं, श्री राम हमारे पास में बैठे हुए हैं, तो हर जगह पर अयोध्या है। जहाँ श्री राम है अयोध्या वही है, जहाँ अयोध्या है श्री राम वही है। राम वन में गए लेकिन ऐसा उनके मन में नहीं था। भरत जी ने कहा कि हे प्रभु, जहाँ आप हैं अयोध्या वही है। इसलिए जहाँ पर भगवान है तो अयोध्या में भगवान है, लेकिन जहाँ पर हमारी जनता बैठी हुई है वहाँ पर यदि राम है तो अयोध्या वहीं पर है। इसलिए ऐसा नहीं है, आज कोरोना के कारण कण कण में राम बसे हुए हैं और राम हर जगह हैं तो अयोध्या भी हर जगह है, जैसा कि आप कह रहे हैं। आप दोनों जन बने रहिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर होते हैं और ये महाकवरेज